तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाइनटेक बीआरके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कोई भी मीशो के हो गए शॉप 101 के ग्लोरोड के प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पे किस तरीके से शेयर करें, उसमें टैग कैसे यूज़ करें। दोस्तों टैग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है आपको, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। तो वो किस तरीके से करना है मैं आपको आज सारा बताऊँगा इसमें स्टेप बाय स्टेप। तो उससे पहले बता दूँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक अपना जो प्रोफाइल है वो अकाउंट है वो सेटअप नहीं किया है तो मेरी ऊपर आई बटन में वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपरली इंस्टाग्राम में अकाउंट कैसे बनाना है पूरा बताया है डेमो के रूप में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि किस तरीके से आपको इसमें मार्केटिंग करनी है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन भी रहते हैं कि आप ज़्यादातर मीशो के वीडियो बनाते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप मीशो के जो मैं बताता हूं उसी को आप ग्लोरोड में आजमा कर देखो ना, उसी के प्रोडक्ट मीशो के प्रोडक्ट लेके वहाँ पे मार्केट प्लेस में शेयर कर रहा हूं या फिर कहीं पर भी शेयर कर रहा हूं, तो आप उसको उसकी जगह अगर ग्लोरोड के प्रोडक्ट शेयर कीजिए, यही है बस फ़र्क। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि प्रोडक्ट चेंज करना है आपको मीशो की, मैं मीशो के प्रोडक्ट बता रहा हूँ, आप 5101 के कर सकते हो, ग्लोरोड के कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें टैग निकालेंगे, हमने एक फ़ोटो वेपर वहाँ से पहले से मीशो से कुछ प्रोडक्ट हैं वो डाउनलोड करके रखे हैं यहाँ पे लिस्टिंग करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ यहाँ पे क्लोथ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोथ, मैं कपड़े से रिलेटेड कुछ पोस्ट डालने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लोथ सर्च किया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लोथ सर्च करने के बाद यहाँ पे टैग भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो टैग यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैग काफ़ी सारे टैग आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे आ गए, तो इसके बाद इन सब टैग को कॉपी करना है। मेरे पास एक एप्लीकेशन है यूनिवर्सल कॉपी पेस्ट, इस एप्लीकेशन से मैं टैग सारे कॉपी करूँगा। तो मैं यहाँ पे टैग पे सब पे क्लिक कर रहा हूँ सिंपली, तो मैंने यहाँ से टैग को कर लिया है सारे कॉपी, ठीक है। आप सिंपली इसी तरीके से कॉपी कर सकते हो, यूनिवर्सल कॉपी पेस्ट नाम की एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे जाता हूँ मैं लिस्टिंग पे, और लिस्टिंग पे जाने के बाद यहाँ पे मैं वो कमीज के फ़ोटो हैं वो यहाँ पर डाल के आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस कमीज़ के फ़ोटो को रख देता हूँ, उसके बाद इस सेकेंड इसको को, उसके बाद ये सारे स्टेप बाय स्टेप जो भी हैं फोटो सब आप रख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, मैंने सारे प्रोडक्ट उसके बाद ऊपर नेक्स्ट पे कर देते हैं क्लिक, यहाँ आने के बाद इनको यहीं रहने देना और नेक्स्ट पे कर देना सिंपली आपको क्लिक, ठीक है। थोड़ी नेक्स्ट पे ये प्रोसेसिंग हो रहा है, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपको टैग कहाँ पे यूज़ करना है मैं ये बताऊँगा आपको सिंपली, ठीक है। तो प्रोसेसिंग हो चुका है, अभी मैं आपको बता देता हूँ टैग कहाँ पे डालना है। तो टैग यहीं पे डालना है आपको, सबसे ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो कि ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल, और कुछ यहाँ पर लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑल इंडिया डेली अवेलेबल लिख दिया, और यहाँ पे RS मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे 500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे मैं डालने अभी आपको टैग, तो मैंने टैग सारे कॉपी करके रखे हैं, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इन टैग को पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टैग कर दिया मैंने पेस्ट, और इसके बाद यहाँ पे ऐड लोकेशन पे भी आपको करना है क्लिक, लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे इफेक्ट डालने वाली है। तो लोकेशन पे क्लिक करने के बाद ये लोकेशन को सेलेक्ट कर आप यहाँ से कोई जिस लोकेशन में बेचना चाहते हो उस लोकेशन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लोकेशन इंडिया ही रखूँगा, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में इसको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन आ गया है, मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है भारत, अभी मैं यहाँ पे शेयर पे कर देता हूँ सिंपली, बस इतना ही करना है इंस्टाग्राम में आपको मार्केटिंग करने के लिए। यहाँ पे कुछ टैग आपको डालने ज़रूर होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरी जो लिस्टिंग है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखने वाली है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये लिस्टिंग दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कमीज़ के कुछ फ़ोटो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मैंने टैग अच्छे से डाल दिए हैं ये वाले टैग, ठीक है। तो इन टैग पर अगर कोई क्लिक करेगा, इस टाइप का टैग भी सर्च करेगा, तो भी हमारा ये फ़ोटो है वो सबसे ऊपर उनको दिखाने लगेगा, ठीक है। तो रिसेंटली पे जो प्रोडक्ट अपलोड हुआ है उसके बारे में यहाँ पे ये दिखा देगा, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट अपलोड हो रहे हैं, हमारा ये कमीज़ यहाँ पे रिसेंटली टैग में यहाँ पे दिखाएगा। सो इस तरीके से बस आपको करना है इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।